ये दोस्तों NN6 की इस वक्त मेरी डिश मूविंग स्टैंड वाली डिश NN6 पर खड़ी है। मैं आपको ये इसका स्टैंड भी दिखाता हूँ। ये देखें, अभी मैं आपको 52 ईस्ट लगा के दिखाऊंगा। ये 52 ईस्ट की फ्रीक्वेंसी है। ये देखें, इसका सिग्नल ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको ये मूव करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये है 52 ईस्ट की मूविंग स्टैंड वाली 2 फुट की ये डिश है। LLB की पोजीशन भी आप देख सकते हैं। ये देखें इसका सिग्नल। अब मैं आपको टाटा स्काई लगा के दिखाता हूँ। ये देखें टाटा स्काई। ये है टाटा स्काई का सिग्नल। इसकी मैं आपको टूनिंग करके दिखाता हूँ। मूविंग स्टैंड का यही फ़ायदा है दोस्तों कि आप एक लम्हे में सेटेलाइट तब्दील कर सकते हैं। ये देखें टाटा स्काई की ट्यूनिंग हो रही है। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये 2 फुट की डिश को जो मैंने स्टैंड लगाया है, ये मेरे ख्याल में बहुत मुनफरद काम किया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये टाटा स्काई की ट्यूनिंग हो रही है। इससे पहले मैंने आपको सिग्नल NN6 का दिखाया था और 52 ईस्ट का दिखाया था। इसके जितने भी सेटेलाइट 2 फुट की डिश पर आते हैं उसकी TP आप इसमें डाल दें, ये सब के सब को चैनल को कवर कर लेता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, तो वीडियो बहुत पसंद आए, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। और फॉरवर्ड सर्वर वाला रिसीवर तो नहीं है। कितने चैनल आते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सात सौ